हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है पूरा समझेंगे। परफेक्ट ट्रस्ट को आपको रिजिड ट्रस्ट भी बोला जाता है, तो मैं ये जानूंगा कि रिजिड, ओवर रिजिड और अंडर रिजिड ट्रस्ट होते क्या हैं और इनकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है। पर वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी के वीडियोज को चेक करें, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को चेक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आपका परफेक्ट और रिजिड ट्रस वो होता है जो कि नॉन कोलेप्सिबल होता है व्हेन लोडेड, और इम्परफेक्ट कोलेप्सिबल व्हेन लोडेड। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ट्रस, सबसे पहले मैं देखूंगा ट्रस। ट्रस क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ बास और मेंबर्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है, परफेक्ट ट्रस या फिर रिजिड ट्रस वही है जिसमें मान लीजिए अगर मैं लोड्स लगाने चालू कर दूं तो वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कोलैप्स का मतलब क्या समझते हैं आप? ये नहीं है कि ये टूट के पूरा गिर जाए, ये नहीं। अगर इसमें हल्का सा चेंज इन शेप भी आए तो भी ये परफेक्ट या रिजिड नहीं रहेगा। तो चेंज इन शेप, कोलैप्सिबल वर्ड का मतलब है चेंज नहीं होना चाहिए, और इधर नॉन कोलैप्सिबल तो नो चेंज इन शेप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन शेप। तो इम्परफेक्ट ऐसा होता है कि भाई हमने जैसे ही लोड लगाया उसकी जो है शेप वो चेंज हो जाती है। अब एक नेसेसरी कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन होती है, बहुत ईजी है। उससे मैं ये चेक कर लेता हूं कि भाई मेरा जो है वो परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट ट्रस है। तो वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, वो होती है, दैट कंडीशन इज M+3 इज इक्वल्स टू 2J, वेयर M इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर, और J इज जॉइंट्स। अब अगर जैसे मैं देखूं, पहले मैं आपको एक इजी एग्जांपल लेता हूं और फिर बताता हूं, फिर डिफिकल्ट से एक बार और देख लेंगे। मान लीजिए मेरा ये है एक बेसिक, एक सबसे इजी मेरा ट्रस है। मुझे ये चेक करना है कि भाई मैं इस पर अगर लोड्स लगा दूंगा तो कहीं ये बैठ तो नहीं जाएगा स्ट्रक्चर मेरा पूरा। ये चेक करने के लिए मैं देखूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, मतलब ये स्ट्रेट रॉड्स, स्ट्रेट बार्स कितनी मैंने यूज किए हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो मतलब 3+3, और जॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3, दैट इज इक्वल टू 2, 3, 6 इज इक्वल टू 6, मतलब ये परफेक्ट एक मेरी ट्रस है, रिजिड ट्रस है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो कहीं ये ज्यादा ऊपर नीचे आ रहे हैं दोनों वैल्यूज, ऐसा हो सकता है, ऐसा आएगा, तो उसके ऊपर अलग अलग कंडीशंस बनती जाती है। ये मेरी दो कंडीशन हो सकती हैं कि मान लीजिए M+3 ज्यादा आ जाए 2J से, तो इस सिचुएशन में मैं कहूंगा कि मेरी ट्रस जो है वो ओवर रिजिड है एंड स्टैटिस्टिकली इंडिटरमिनेंट है। मतलब क्या है ये आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा, पर मैं बता रहा हूं कि अगर जॉइंट्स कम है मेंबर से तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप हर एक मेंबर में फोर्स ना निकाल पाओ, आपको दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपके जितने क्वेश्चन होते हैं वो परफेक्ट ट्रस के होते हैं। अगर यहां मेरे कम ही रह गया ये रेशियो जो है तो ये आ जाएगा कोलैप्सिबल या फिर अंडर रिजिड ट्रस। ये इजीली कोलैप्स कर सकता है कोलैप्सिबल। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हो जाती है चीज। मान लीजिए ये मेरा ट्रस है और ठीक है, ये मेरा ट्रस है, यहां से नाइफ एज सपोर्ट लगाया हुआ है मैंने, तो और मैं यहां पर अपना लोड लगा देता हूं
अब पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये ट्रस्ट सरवाइव कर पाएगा या नहीं। सो उसके लिए मेरी कंडीशन थी एम प्लस थ्री इक्वल्स टू 2J। चेक करता हूँ, देखता हूँ, 1 2 3 4, चार मेंबर हैं प्लस थ्री टू। अब जॉइंट देख रहा हूँ, 1 जॉइंट 2 3 4, चार जॉइंट दिख रहे हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से इक्वल नहीं आएगा, 7 उल्टा लेस ही आ गया देन 8। तो ये क्या हो गई, मेरी एक इम्परफेक्ट ट्रस हो गई और ये कोलैप्स कर सकती है। और ये कोलैप्स करके अगर मैं क्या करूंगा, इधर लोड लगाऊंगा ना, तो ये कुछ इस तरह बेंड कर सकती है। ये हो सकता है कि कुछ इस तरह बेंड हो जाए पूरा यहां से इसका जॉइंट ही। तो ये एक इम्परफेक्ट मेरी ट्रस हो गई। तो इस तरह इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम चेक कर लें कि भाई अगर मैं मान लो कुछ भी रैंडमली कल को मुझे ब्रिज बनाने को आता है, मैं ऐसे बना दूं कुछ ब्रिज सा कि भाई ऐसे बना लो एक ब्रिज, ऐसे ही होते हैं ना, आपने बाहर से स्ट्रक्चर देखे हैं ब्रिजों के, तो ये टिकेगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा पूरा जो सिस्टम ऑफ बास है ये बैठ ही जाए। तो उसके लिए आपको बेसिक ये है ट्रस निकालना पड़ता है। सो यही कंडीशन थी, आपको ये याद करनी है कंडीशन, वैसे इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बाकी आपको क्वेश्चंस में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कभी कभार ऐसा होता है कि 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ जाता है और अलग से क्वेश्चन में ये दे देंगे, पूछेंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस क्या है और कंडीशन क्या है, बस ये पूछ सकते हैं। इसको आपको क्वेश्चंस में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके परफेक्ट ट्रस के ही होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू।